Assalamualaikum my dear friends, I hope you all are doing good. आज मैं आपको बगैर ज़्यादा वक्त ज़ाया किए इस्लामाबाद टेस्ट फेस्टिवल दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ. एंड गेस हु इज कमिंग टुडे, खलील कैफी. येस राइट. सो आपको मैं उसके कॉन्सर्ट और लाइव को दिखाने लगी हूँ और पूरा टेस्ट फेस्ट आपको मैं आपको दिखाने लगी हूँ. सो स्टे ट्यून्ड गाइज, डू नॉट गो एनीवेयर. अच्छा जी, वी आर एंटरिंग दी F9 पार्क एंड एज यू कैन सी यहाँ पे कितना सख्त रश लगा हुआ है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी. दीज ऑल पीपल आर गोइंग टू सी खलील कैफी एंड दिस फूड फेस्टिवल. फूड फेस्टिवल तो खैर सुबह से शुरू हुआ बट इस टाइम इतना रश और इतनी गाड़ियाँ जस्ट टू सी द कॉन्सर्ट. और यहाँ पे एक आज़ादी मार्च शुरू हुई है. सो वी आर एंट्रिंग द फेस्टिवल. ये उसकी मेन मतलब एंट्रेंस है अंदर जाके गाड़ी शाड़ी पार्क करने के बाद. सो इन्होंने वैसे तो फूड फेस्टिवल, ये जो टेस्ट फेस्ट है ये सबसे ज़्यादा बेटर होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कॉन्सर्ट भी एंड में आपको मिल जाता है और टेस्ट फेस्ट से ज़्यादा बेटर मुझे ये लगता है और उसकी ज़्यादा प्यारी एंट्रेंस भी है. फिर अब हम सबसे पहले खाने के लिए चलते हैं. मुझे टर्किश डोनर मिला है एंड इट्स सो टेम्पटिंग. सो लेट मी शो यू इट्स प्रेपरेशन वे. मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने कितने मज़े का कैसे प्रिपेयर किया है. फिर इसने पहले ये जो ब्रेड है इसको बारी बारी टोस्ट किया, फिर चिकन डाली है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें डाली हैं एंड उसके बाद सॉसेस डाल के और उन्होंने इसके पीटा ब्रेड, ये जो इसकी ब्रेड है इसको इस पनीनी मेकर में इन्होंने टोस्ट किया है. एंड देयर यू गो, इट वाज सो सो यमी बेस्ट. सो गाइस, मुझे इस डोनर के साथ चाहिए है चाय एंड आई एम गोना टेक चाय इन द मेकिंग एंड दीज आर द मटकास. So, जी ये हमारी मटका चाय आ गई है. चलें अब हम आपको जरा खलील कैफी का कॉन्सर्ट एंजॉय कराते हैं. दिस वॉज द कॉन्सर्ट, दैट्स इट. अब हम आपको फूड की तरफ लेके जाते हैं और आपको बेस्ट किस्म के फूड की दिखाते हैं कि कौन कौन से फूड बहुत अच्छा था, कौन सा मतलब रेटिंग करके दिखाते हैं. सो सबसे पहले ये सिजलिंग वॉक है और इधर से मैंने डम्पलिंग्स ऑर्डर किए हैं. खैर मुझे ये इतने मज़े का लग रहा है राइस एंड चिकन, बट खैर मैंने डम्पलिंग्स ऑर्डर किए हैं एंड ये डम्पलिंग्स इधर डाल रहे हैं. सो मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि इनके डम्पलिंग्स कैसे थे. ये सॉस इसके साथ मिली है, अब ये सॉस इसके अंदर डिप तो हो नहीं सकती, तो फिर मैंने इसके ऊपर ही सारी सॉस डाल दी है. गाइज इनके डम्पलिंग्स बहुत अच्छे थे, आई वुड गिव इट 9/10, रियली नाइस. अब इसके बाद आता है आबिद चटखारा की बारी और इसके बाहर आप रश चेक करें, रश की लाइनें लगी हुई थी. और ये आप चिकन चेक करें, इट इज़ सो मतलब बेस्ट. मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट स्टॉल ना इसी का ही होता है हमेशा. सो मैं आपको ट्राई करके भी बताती हूँ कि इस बार इनका चिकन कैसा है. गाइस शक्ल ही बता देती है वैसे आई थिंक कि कितनी फिट चीज़ है, बट लेट्स ट्राई. ओ माय गॉड, इट इज़ सो 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 गुड. बहुत अमेजिंग है भाई, बहुत ही अमेजिंग, इट्स अमेजिंग. खैर हम शेयरिंग करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड और उसके बाद सो हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करें. हमने अब हमारा दिल करा था कि अब हम कहीं से बर्गर्स वगैरह ट्राई करें एंड ये एक शेक्स बार है कोई और यहाँ से स्मैश बर्गर्स हमने ट्राई करने हैं. मैंने एक स्ट्रॉबेरी स्मूदी ऑर्डर किया और ये हमारा स्मैश बर्गर बनने वाला है. सो लेट्स सी के कितने मज़े से, मतलब ये प्रोसेस ही मुझे देखने का इतना मज़ा आता है, इट्स अमेजिंग. तो लेट्स वॉच इट टुगेदर. Guys, the burgers are ready and trust me, they were 10/10. So I have taken this smoothie. Let's try it. बहुत मज़े के आए. So I'm gonna try my beef burgers. So
दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. आई एम एंडिंग माई व्लॉग हेयर. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.